आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग फायर एंड आइस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यह चैप्टर भी रॉड फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। यह NCERT क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें एक चैप्टर में दो पोएम है, पहली जो डस्ट ऑफ स्नो जिसको मैंने इसके पहले वीडियो में अपलोड किया है, और दूसरा फायर एंड आइस। तो इसमें लेखक अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं यानी जो वर्ल्ड है ये आग से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि यह जो है बर्फ से खत्म हो जाएगी, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी या फिर और कई सारे कारण होंगे जिससे तापमान बढ़ेगा, उससे यह दुनिया का अंत होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर बर्फ और जमेगी, यहाँ पर और कई सारी चीज़ें होंगी जिससे यह बर्फ वगैरह खत्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोस हु फेवर फायर। लेकिन लेखक अब यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा कि अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं किसको ध्यान दूंगा, यानी किसको सपोर्ट करूंगा, किसको तरफ मेरी ज़्यादा चाह है, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा जो कि फेवर कर रहे हैं फायर को, यानी कि जो कह रहे हैं कि यह दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ेगी, ये जो CO2 वगैरह बढ़ रहा है उससे लेखक कह रहे हैं, क्वाइट कह रहे हैं कि उनसे यह जो है ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर आगे कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना हो, यानी कि एक बार तो खत्म हो गई फायर से, अगर दोबारा खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं यह भी जानता हूँ कि यह जो है इनफ ऑफ हेट। यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर फायर जो है सिम्बोलाइज करे है ग्रीड यानी लोभ, लस्ट, कन्फ्लिक्ट पर यानी लोभ, झगड़ा, ये सब चीज़ें जो हैं, गर्मी, यह सब फायर मतलब दे रही है इन सबका। और आइस मतलब है यहाँ पर क्रुएल्टी यानी क्रूरता, इंटॉलरेंस असहनशक्ति, रेजिडिटी यानी दूसरे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़क होना, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस यानी यही बर्फबारी, और हैट्रेड यानी कि घृणा, इन सबको आई सिम्बोलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हैट्रेड आइस मारा, तो ये कह रहे हैं लेखक बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दो बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं यह भी जानता हूँ कि हेट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि आइस भी बर्फ से भी यह दुनिया खत्म हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अगर यह कहना हो कि आइस से दुनिया कितना प्रभावित होगी, तो वह इज ऑल्सो ग्रेट, वह भी बहुत बड़ा है, यानी कि आइस भी इतनी सक्षम है कि वह जो है इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। एंड वुड सफाइस, यहाँ पर जो वर्ड सफाइस आया है इसका मतलब सफिशियंट है, यानी कि आइस भी सफिशियंट है, पर्याप्त है, सक्षम है इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। यह तो था इस चैप्टर का शाब्दिक अर्थ, लेकिन लेखक इस चैप्टर के माध्यम से कुछ और कहना चाहते हैं। वह कहना चाहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से खत्म होगी। फायर मतलब यह जो मानव के बीच में लोग वगैरह बढ़ रहा है, या फिर जो उसके बीच में लड़ाई झगड़े जैसे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई झगड़े लोग इन सब के कारण यह जो वर्ल्ड है, कॉस्मोस है, यह खत्म होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से, लेकिन कुछ कहते हैं कि क्रूरता, यह जो कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हैट्रेड, घृणा, इन सब की वजह से इस दुनिया का खत्म होगा। फिर उसी तरह लेखक कहते हैं कि अगर मेरे से पूछा जाए कि किससे इस दुनिया का अंत होगा, तो मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा जो कि फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको करूंगा जो कि कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है ग्रेड यानी लालच, झगड़ा, अवेयरनेस, लस्ट, इन सबसे खत्म होगा। फिर कह रहे हैं कि अगर पूछा, अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना हो, तो मुझे लगता है आइस भी सफिशियंट, यानी हेट भी यानी घृणा वगैरह, यानी जो भी आइस जिन जिन को सिम्बोलाइज कर रही है, वह भी सफिशियंट है ह्यूमन रिलेशनशिप को बेकार करने के लिए, इस पूरी दुनिया का अंत करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि इन सभी चीज़ों को कहा जाए कि आइस क्या क्या डिस्ट्रक्शन कर सकती है, यानी क्या क्या चीज़ें कर सकती है, क्या बेकार चीज़ें कर सकती है, क्रुएल्टी वगैरह, यह सब वह भी काफ़ी ज़्यादा है, और यह भी पूरी ह्यूमन रिलेशनशिप को बेकार करने के लिए पर्याप्त है। तो चैप्टर के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है फायर खत्म होगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आइस, लेकिन वह कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया को दो बार खत्म होना हो, तो आइस भी सफिशियंट है और फायर भी सफिशियंट है, यानी लोभ लालच भी सफिशियंट है इस पूरी ह्यूमन रिलेशनशिप, इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए, और क्रुएल्टी, घृणा वगैरह भी, यह सब जो है पर्याप्त है इस पूरी ह्यूमन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए। इस पार्ट में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।